नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। प्यार, धोखा और पिटाई, शादी तुड़वाने से नाराज शख्स ने एक्स वाइफ को पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR, जाने क्या है पूरा मामला। गोरेला के तरई गांव में बीते मंगलवार बारात लेकर पहुंचे दूल्हे की उस समय शामत आ गई जब उसकी तलाकशुदा पत्नी ने बीच में आकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने सभी को बताया कि दूल्हे के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर शादी के मंडप में जमकर बवाल हुआ और दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे और बारातियों की पिटाई भी कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला और दूल्हे ने सभी से माफी मांगकर किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से निकल गया। मामले में अब दूल्हे के खिलाफ उसकी पूर्व पत्नी ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पेंड्रा थाना प्रभारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसकी शादी अजय यादव के साथ हुई थी, लेकिन उनके घर वालों को ये शादी रास नहीं आई और दोनों का तलाक हो गया। इस बीच उसे बीते मंगलवार पता चला कि अजय दूसरी शादी कर रहा है। इस बीच वो मौके पर पहुंची और खुद को गर्भवती बताकर जमकर हंगामा किया और उसकी शादी को रुकवा दिया। उसने आगे बताया कि शादी रुकवाने से नाराज उसके पूर्व पति अजय ने उसके कार्यस्थल पर आकर उसके साथ गाली गलौच करते हुए झूमा झटकी की और उसे जान से मारने की धमकी दी है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मंगलवार को तरई गांव में हंगामे के बाद नाराज दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों का कुछ सामान भी जब्त कर लिया था। वहीं अब दुल्हन पक्ष के लोगों ने पूरे घटनाक्रम की गोरेला थाने में शिकायत करते हुए शादी में हुआ खर्च दूल्हे पक्ष से दिलाने की मांग रखी है, जिस पर थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी है।